हाल ही में हुए डिज्नी प्लस डे के इवेंट्स के अंदर व्हाट इफ के सीजन 2 को कंफर्म कर लिया गया और ये बताया गया कि बहुत जल्द व्हाट इफ का सीजन 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल हो जाएगा। अब सीजन 1 की बात करें तो सीजन 1 बहुत सारी इंटरेस्टिंग थियरी और माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ आया था। मैं मानता हूँ इसके कुछ एपिसोड्स फ्लॉप साबित हुए थे, बट बाकी के एपिसोड लिटरली माइंड ब्लोइंग थे। स्टोरीज तो बहुत ज़बरदस्त थी। तो मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग व्हाट इफ सीजन 2 को लेके सुपर हाइप्ड होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 स्टोरीज वी वुड लव टू सी इन व्हाट इफ सीजन 2। 5 ऐसी स्टोरीज के बारे में बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर से जिनको हम लोग देखना पसंद करेंगे व्हाट इफ सीजन 2 के अंदर। अगर आप लोगों के दिमाग में भी कभी ऐसा आए कि सेलेस्टियल्स इतने पावरफुल हैं और वो इतना गलत काम कर रहे हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए, तो चिंता मत करो, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना रखी है अपने चैनल के अंदर, उसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर फ्लैश होता मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसको चेकआउट कर लेना जहाँ मैंने टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताया है जो कि सेलेस्टियल को ख़त्म कर सकते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है, थोड़ी बहुत टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो अभी लाइक कर दो क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, और चैनल पर गलती से आ गए तो सब्सक्राइब करो यार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5, व्हाट इफ सैंकी बिकेम मैंडरिन। अब मार्वल के ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर सैंकी एक अच्छा बंदा है जो कि अपनी माँ के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है, अच्छे लोगों का साथ देता है और सबका भला करता है। लेकिन उसका बाप इसका ठीक अपोजिट है जो कि बहुत सारे बुरे काम कर चुका है अपने पास्ट लाइफ में, जो कि हज़ारों साल लंबी है, और साथ ही साथ बहुत लोगों के ऊपर कॉन्करर कर चुका है, बहुत से किंगडम्स के ऊपर कॉन्कर कर चुका है। इस व्हाट इफ के एपिसोड के अंदर नेक्सस इवेंट होता है सैंकी का पॉइंट ऑफ व्यू। जब सैंकची को 10 रिंग्स मिलती है तो उसके बाप जो सपने देखा करता था वही सपने सैंकची भी देखने लगता है। सैंकची के बाप ने जैसे हज़ार साल पहले दुनिया को कॉन्कर किया था वही सेम सपना सैंकची भी देखने लगता है और बन जाता है मैंडरिन। उसके बाद वो 10 रिंग्स का लीडर बनके 10 रिंग्स को गाइड करता है, और जल्द ही जब सैंकची और 10 रिंग्स का आतंक बढ़ जाता है तो एवेंजर्स को ये बात पता चलती है और फिर एक ज़बरदस्त फाइट सीन हमें देखने को मिल सकता है इस एपिसोड के अंदर। नंबर 4, व्हाट इफ Eternals interfered in Endgame। अब MCU के ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर Eternals जो है अपने वादे पर अडिग रहते हैं और वो ह्यूमंस के बीच इंटरफेयर नहीं करते हैं, बट इस व्हाट इफ के एपिसोड के अंदर एक नेक्सस इवेंट यही होता है कि वो ह्यूमंस के बीच इंटरफेयर करने की सोचते हैं और Endgame की बैटल में कूद पड़ते हैं। अब बेसिकली ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर Eternals नहीं थे तो आयरन मैन को स्नैप करना पड़ा था, जिसके बाद आयरन मैन ख़त्म हो जाता है और अर्थ की आती पॉपुलेशन वापस आ जाती है। बट इस व्हाट इफ के एपिसोड के अंदर सिनेरियोस कुछ और होंगे। अब जब पूरी Eternals की टीम एवेंजर्स के साथ होगी तो थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट तक पहुंच ही नहीं पाएगा और आयरन मैन को स्नैप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और थैनोस को इजीली हरा दिया जाएगा। इन सब के बावजूद इस एपिसोड के अंदर हमें और भी अगर सही से चीज़ें दिखाई जाएंगी तो आयरन मैन सेलेस्टियल्स के बारे में जब जानेगा तो वो गॉड किलर मार्क टू या फिर एंटी सेलेस्टियल आर्मर भी बना सकता है, क्योंकि सेलेस्टियल्स कैसे वर्क करते हैं ये हम लोगों ने Eternals मूवी के अंदर देखा ही। वो किसी भी एक सिविलाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक है, मतलब पूरी की पूरी स्पेसीज एक बार में ख़त्म हो जाएगी, और लिटरली इस वाले एपिसोड के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ। अब मैं मानता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ मेरी थियरी पे बेस्ड है, पर सोचो यार अगर ये रियलिटी हो जाए और हमें व्हाट इफ के सीजन 2 में देखने को मिल जाए पर्टिकुलरली यही वाला एपिसोड। नंबर 3, व्हाट इफ सिविल वॉर नेवर हैपेंड। अब MCU के ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर सिविल वॉर एक बहुत ड्रास्टिक इवेंट था जिसके बाद सुपर हीरो टीम के दो पार्ट हो गए। अब इस व्हाट इफ के इवेंट के अंदर दोनों ही सुपर हीरोज यानी कि टोनी और स्टीव अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सेम रखते हैं और सुकोविया अकॉर्ड को नेगलेक्ट कर देते हैं। अब जब टोनी और स्टीव दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम था तो इन दोनों को गवर्नमेंट से छिप के रहना पड़ रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने सुकोविया अकॉर्ड्स में कह दिया था कि एवेंजर्स अब एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगी और वहीं जाएगी जहाँ उसे गवर्नमेंट बोलेगी। बट टोनी और स्टीव दोनों इस बात से एग्री नहीं करते हैं और एवेंजर्स को छिप के रहना पड़ता है, और फिर कुछ साल बाद जब वो ऐसे ही लाइफ स्पेंड करते हैं तो अर्थ पर थैनोस इन्वेड करने आता है, और जब गवर्नमेंट बहुत तरीके से गिरने लगती है तब एवेंजर्स की हेल्प मांगी जाती है बट एवेंजर्स मना कर देते हैं। बट एट द एंड जब वो विजन का माइंड स्टोन लेने आते हैं तब एवेंजर्स वर्सेस थैनोस फाइट देखने को मिलती है, और जब अपने सारे एवेंजर्स एक साथ थे और पूरी तैयारी के साथ थे तो थैनोस जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हार जाता है। अगर ये स्टोरी लाइन हमें व्हाट इफ के किसी भी एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगी तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डिफरेंट से होंगे, जैसे कि स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर ये दोनों कभी भी MCU के अंदर आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये दोनों सिविल वॉर की वजह से इंट्रोड्यूस हुए थे MCU के अंदर।
इन सब के अलावा एंटमैन और वास का भी कभी भी क्रॉसओवर नहीं हो पाएगा एवेंजर्स के साथ। इनके लिए फिर कोई अलग सी स्टोरी बनानी पड़ेगी इस यूनिवर्स के अंदर। नंबर टू, व्हाट इफ एजैक नेवर चेंज्ड हर डिसीजन। अब मार्वल की ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर इटर्नल्स मूवी में हमें दिखाया गया कि एजैक जो है वो सदियों से एमरजेंसी प्रोसेस के बारे में जानती थी कि सेलेस्टियल्स कैसे बनते हैं और एक सिविलाइजेशन का एंड कैसे होता है। बट इस बार जब प्लेनेट अर्थ की बारी आती है एमरजेंस को लेके, तब वो अपने डिसीजन चेंज कर देती है और वो आरिसेम के सपोर्ट में नहीं रहती, उसके अगेंस्ट में खड़ी होती है। बट इस व्हाट इफ के एपिसोड के अंदर जो अपनी एजैक होती है वो अपना डिसीजन नहीं चेंज करती, आरिसेम के साथ स्टैंड रहती है और एमरजेंस में उसकी हेल्प करती है। अगर वो अपना डिसीजन सेम रखती है तो इकारिस उसे कभी बिट्रे नहीं करेगा और वो कभी मारी नहीं जाएगी, और जब वो कभी मरेगी ही नहीं तो सर्सी को लीडरशिप नहीं मिलेगी और वो आरिसेम से नहीं मिल पाएगी, उसको एमरजेंस के बारे में नहीं पता चलेगा और इमरजेंस के बाद होता क्या है ये भी पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली इटर्नल्स की टीम तियामुत को मारने की कोशिश ही नहीं करेगी बल्कि इमरजेंस को होने देगी, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं रहेगा इकारिस और एजैक को छोड़ के। बेसिकली आगे जाके अर्थ जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तियामुत जो है सेलेस्टियल वो क्रिएट हो जाएगा। इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर मार्वल की फैंस जो है वो स्पाइडरमैन नो वी होम नहीं देखने पाएंगे। वैसे ये वाला एपिसोड अगर व्हाट इफ के अंदर दिखाया गया तो ये वाला एपिसोड लिटरली बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है। मतलब एक पूरी की पूरी सेलेस्टियल के बनने के चलते एक पूरा सिविलाइजेशन निपट गया, कसम से बहुत डार्क होने वाला है। नंबर वन, व्हाट इफ वांडा कंटिन्यूड हर हेक्स। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर वांडा जो है जब उसे पता चलता है, ये रियलाइज़ होता है कि उसके हेक्स के अंदर इनोसेंट लोग भी फंसे हुए हैं, तब वो अपने बच्चों और हस्बैंड का सैक्रिफाइस करके उन सभी लोगों को जाने देती है। बट इस वाले व्हाट इफ के एपिसोड के अंदर वांडा के पास अपनी पावर्स का कंट्रोल नहीं रहता, वो अच्छाई बुराई में फ़र्क नहीं कर पाती और वो अपनी फैमिली के चलते उन लोगों को नहीं छोड़ती बल्कि अपने हेक्स को और ज़्यादा एक्सपेंड कर देती है। तो ये थ्रेट एक नेक्स्ट लेवल पे जाती है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को हैक्स के बारे में पता चलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे विजिट करते हैं और फिर हमें वांडा वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की एक ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है। अब इस फाइट के बाद वांडा भले ही बहुत पावरफुल थी और डॉक्टर स्ट्रेंज एक एक्सपीरियंस्ड सॉर्सरर सुप्रीम है जो कि उसे हरा देते हैं और उसके बच्चों को और विजन को जो कि नकली था इन दोनों को ख़त्म करके हैक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बाकी लोगों को आज़ाद कर देते हैं और उसके बाद वांडा की पावर्स को कंट्रोल करते हैं और फिर उसे एक जगह पे छोड़ देते हैं जहाँ पे वो डार्क होल्ड को पढ़ती है और मिस्टीरियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। अब कुछ सालों बाद जब वो मिस्टीरियो से कांटेक्ट कर लेती है प्रॉपरली, तब वो मिस्टीरियो के साथ एक डील करती है। इस डील के अंदर मिस्टीरियो वांडा को उसके बच्चे और विजन को लौटा देगा और वहीं वांडा को उसकी जगह पर कुछ अपना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट खोना पड़ेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल चीज़ खोनी पड़ेगी। बट वांडा जो है वो अपने फैमिली के लिए इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे उसके बच्चे और विजन वापस मिल जाते हैं। बट धीरे धीरे करके वांडा जो है अपनी अच्छाई को खोने लगती है और अपने पावर्स पर से कंट्रोल खोना शुरू कर देती है और फिर एट द एंड उसका क्योस मैजिक इतना पावरफुल हो जाता है कि वो लिटरली हर एक सुपर हीरो को बीट कर रही थी। एट लास्ट विजन को ये समझ में आता है कि वांडा जो भी कर रही है बहुत गलत कर रही है और एट लास्ट विजन जो है वांडा को कन्विंस कर लेता है और ऐसे ही व्हाट इफ का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली वांडा जो है उसकी डेस्टिनी ही है वर्ल्ड को ख़त्म करना, जैसे कि अगाथा ने भी बताया था, एक स्कारलेट विच क्योस मैजिक का यूज़ करती है और उसकी किस्मत में ही लिखा होता है उस पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना। यही था एक छोटा सा वीडियो टॉप 5 स्टोरीज को लेके जिनको हम व्हाट इफ के सीजन 2 में देखना पसंद करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे ही कंटेंट रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हो तो। बेल आइकन ऑन पे कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ आप कमेंट में बताना कि आपको कौन सी स्टोरी व्हाट इफ के अंदर देखनी है। तब तक के लिए गुड बाय, जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो।